नमस्कार दोस्तों, आप सबका यूनिट 12 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मैं आज इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ मैं बताता चलूं कि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। आप मेरे सामने देखिएगा, आप ये सोचिए कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तब आपको अच्छे से समझ आएगा, मतलब आपको कमेंट के थ्रू भी मेरे को बताएगा कि क्या चीज़ आपको समझा रहा है नहीं आ रहा, ठीक है? तो आपका ये फर्स्ट लेक्चर है और इसके बाद जो है मैं आपको डिफरेंशिएशन का पूरा मैं 11th और 12th का मैं प्रॉपर मैं आपको यहाँ पे लेक्चर दूंगा, तो आप इसको पूरा देखिएगा। देखिए, सबसे पहले डिफरेंशिएशन में मैं बात करूँगा। डिफरेंशिएशन को हिंदी बोलते हैं अवकलन। दोस्तों, डिफरेंशिएशन क्या बोलते हैं? अवकलन बोलते हैं। एकदम शुरू से स्टार्ट किए हैं, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर्स यहाँ पे देखिएगा, ठीक है? और इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? समाकलन, ठीक है? पहले ये जान लीजिए है क्या ये चीज, अवकलन और समाकलन। डिफरेंशिएशन मतलब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि डिफरेंस मतलब किसी चीज को डिफरेंस करना, ठीक है? किसी चीज को डिफरेंस करना मतलब अंतर करना, ठीक है? और देखिए, डिफरेंशिएशन का देखा जाए कि अंतर, किसी चीज को अंतर निकालना, ठीक है? मान लेते हैं डिफरेंशिएशन को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? और इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेशन किसी भी चीज का मतलब सम करना, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे जिसके पार्टिकल हम बात करेंगे, जैसे हम मान लेते हैं ना कि इसका अगर हम बात करें तो इसका ले लेते हैं डी एक्स लेते हैं, ठीक है? डी वाई ले लेते हैं और डी जेड ले लेते हैं, ठीक है? तो Please इसका यहाँ पे subscribe to my इंटीग्रेशन channel and का don't ये सम forget to बताता click है। on ये bell क्या icon बताता button है? to get ये क्या बताता है? notification for सम new बताता है। ये updates। क्या बताता है? सम बताता है कि इंटीग्रेशन के क्या होगा, ये सम होगा, ठीक है? देखिए, ये तो आपको पता चला कि डिफरेंशिएशन में किसी चीज को अंतर निकाल, इंटीग्रेशन समेशन को बताता है, ठीक है? इंटीग्रेशन समेशन को बताता है, ठीक है? इंटीग्रेशन समेशन, समेशन डी एक्स, समेशन डी वाई, समेशन डी जेड, ठीक है? देखिए, बड़ा पॉइंट है, ठीक है? मान लेते हैं ये हाथी है, ठीक है? आप अच्छे समझिएगा, मान लेते हैं ये हाथी है, सपोज ऐसे मैंने इसको हाथी बना दिया, आप समझ जाइए, ठीक है? और इसका कुछ ये पूंछ है, ठीक है? तो ये क्या है, ये जो पूंछ होगा, इसका जो पूंछ होगा ये डी होगा। आप यहाँ देखिएगा, ये जो पूंछ होगा, मान लेते हैं डी है ना, और अब क्या है, ये पूंछ को पकड़ के मैं यहाँ पे क्या किया, पूरे हाथों को हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया, ये क्या बन गया देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं ये छोटा सा जो है ये इसका पूंछ आ गया, ठीक है? और इसके बाद क्या हो गया, ये जो बड़ा सा दे रहा है, मान लीजिए ये हाथी आ गया ना, तो ये क्या कर रहा है, पूरे का सम निकाल दे रहा है, टोटल ऐड कर दे रहा है। तो ये तो पता चला इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे किसी चीज का अंतर निकालते हैं, ठीक है? अब सुनिए, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक एक चीज मैं समझाता चलूंगा। ये आपका मतलब देखा जाए तो ये बेसिक है, और मैं यहाँ पे आपका पूरा चीज मैं क्लियर करता चलूंगा। देखिए, एक टॉपिक में बात करता हूँ, देखा जाए तो डिफरेंशिएशन जो है और इंटीग्रेशन है, एक देखा जाए तो आपस में भाई बहन है, ठीक है? एक दूसरे का ब्लड रिलेशन सेम है, देखा? तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो है जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है? तो यहां हम अगर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे तो डिफरेंशिएशन को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और ये बताता है कि डी वाई बाई डी एक्स, मान लेते हैं कोई एक फंक्शन दिया होगा तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है या फिर एक बार अवकलन हो रहा है, ठीक है? मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, y y डैश भी लिख सकते हैं, मतलब ये क्या कर रहा है, एक बार अवकलन कर रहा है या एक बार डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है? मान लेते हैं इसको y1 भी हम लिख सकते हैं, मतलब ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि y1 मतलब एक बार डिफरेंशिएट है, ठीक है? इसको तरीका लिखने का है, मान लेते हैं यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है? फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है? फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसका जब करेंगे तो एफ डैश एक्स भी इसको मैं लिख सकता हूँ। ये मैं डिफरेंशिएट में बता रहा हूँ कि ये जो है इस रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ, मतलब ये क्या कर रहा है, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर रहा है, ठीक है? अब सुनिए, यहाँ पे देखिए, ये तो आपका बेसिक था कि ये डिफरेंशिएट होता क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलूंगा, उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला मैंने समझाता हूँ, आप अच्छे से देखिएगा, इतना ध्यान दीजिएगा कि मैं आपके पहले
पास में हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं फेस टू फेस आपके पास में हूँ, ठीक है। आप ये सोच के पढ़िएगा कि मैं आपके पास में बैठा हूँ, ठीक है, और जो है आप मेरे को देख रहे हैं, फेस टू फेस देख रहे हैं, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। आप जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, ताकि आप नोट करते जाइएगा और समझते जाइएगा, और जो चीज़ आपको समझ ना आए वो जो है आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर भी दिया हुआ है, वो वहाँ से आप नंबर लेकर मेरे को डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ डिफ्रेंशिएट ऑक्टल में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ऑक्टल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आपको याद आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वाई बराबर एक्स के पावर एन कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया यहाँ पे, वाई बराबर एक्स के पावर एन कोई फंक्शन है, ठीक है, वाई बराबर एक्स के पावर कोई फंक्शन है, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, एक्स के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा क्या किसके रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ये क्या जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स जो ये बता रहा दोस्तों, ये क्या x के रेस पे बोल रहा ना, तो dy by dx इसका जो फार्मूला होगा दोस्तों x के dy by dx बराबर x के पावर n, ठीक है, dy by dx x के पावर n बराबर n x के पावर n माइनस 1, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, dy by dx बराबर n x के पावर n माइनस 1, ठीक है, किसका, x के पावर n का फार्मूला है, dy by dx बराबर dy by dx बराबर x के पावर n बराबर n x के पावर n माइनस 1, ये हमारा फार्मूला होता है, आपको याद हो गया। हमने क्या बोला कि y बराबर x के पावर एक फार्मूला लिया, ठीक है, y बराबर कोई एक फंक्शन दिया, y बराबर x के पावर n एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसको मैंने x रेस्पेक्ट जो है डिफरेंशिएट किया, तो dy by dx बराबर dy by dx into x के पावर n बराबर n x के पावर n माइनस 1, ये एक आपका फर्स्ट फार्मूला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा दूसरे फॉर्म में बात करते हैं कि दूसरा फॉर्मूला दिया आपका कि y बराबर e के पावर में x दिया हुआ है, ठीक है, y बराबर e के पावर में x दिया हुआ है, तो मेरे को किसके रेस्पेक्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे x है ना, तो x के रेस्पेक्ट करना है मेरे को, तो dy by dx बराबर dy by dx into e के पावर x का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, e के पावर में x होगा, क्या होगा, e के पावर में x होगा, तो y बराबर e के पावर में x दिया हुआ है, इसका मैं x से रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा, तो dy by dx बराबर e के पावर में x का जो डिफरेंशिएट होगा e के पावर x होगा, ठीक है, आगे समझिए, हमारा e के पावर में x दिया है, तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy by dx, ध्यान दीजिएगा y बराबर a के पावर में x, y बराबर a के पावर में x बराबर dy by dx, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, a के पावर x का मैं डिफरेंशिएट करूंगा, तो dy by dx a के पावर x बराबर होता है a के पावर x इंटू लॉग a, a के पावर x इंटू लॉग a, तो a के पावर x का जो डिफरेंशिएट होगा a के पावर x इंटू लॉग a हो जाएगा, ठीक है, हम समझते हैं कि आपको याद हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया आपके y बराबर log x दिया हुआ है, इसका बहुत इजी है, y बराबर log x दिया हुआ है, ठीक है, y बराबर log x दिया, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा dy by dx बराबर dy by dx बराबर dy by dx, ठीक है, ये पता चला नहीं कि x के रेस्पेक्ट बोल रहा था, dy by dx इस dy by dx log into log x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यहां पे 1 by x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 by x हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे ये जो मिल गया log x बराबर 1 by x, अब जो है इसको मौखिक आप याद रखिए कि y बराबर जो आपका x के पावर n कोई फंक्शन दिया है, तो y is equal to n x के पावर n minus 1, y dash बराबर n x के पावर n minus 1, और y बराबर e के पावर x अगर कोई डिफरेंशिएट बोल रहा निकालने के लिए, तो क्या करेंगे कि dy by dx बराबर e के पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x ही होता है, ठीक है, y बराबर a के पावर x का डिफरेंशिएट होगा a के पावर x इनटू log a, a के पावर x इनटू log a, यहां पे देख रहे होंगे a के पावर x इनटू log a, सेम यहां पे क्या दिया y बराबर log x दिया है, तो यहां पे dy by dx, ठीक है, dy by dx इसका मैं log x का निकालता हूं डिफरेंशिएट, तो यहां पे क्या होगा 1 by x हो जाएगा, 1 by x हो जाएगा, आगे देखिए उसके बाद फार्मूला, फार्मूला नंबर 5 पे चलते हैं दोस्तों। मान लेते हैं y बराबर एक फंक्शन दिया हुआ sin x, y बराबर sin x, ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, तो हो जाएगा dy by dx बराबर dy by dx into sin x, sin x का हमारा डिफरेंशिएट क्या होता है cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएट क्या होता है cos होता है, ठीक है, sin x का cos x, हम दो बार इसलिए रिपीट, दो तीन बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, आप यहीं से याद करके जाएं और बाकी जो आप नोट्स बनाएंगे साथ साथ बनाइएगा, ठीक है। आपका y बराबर cos x दिया हुआ, फंक्शन y बराबर cos x दिया हुआ, यहाँ पे क्या x रेस्पेक्ट बोलेगा, तो dy by dx, dy by dx बराबर dy by dx into cos x का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस sin x, क्या हो जाएगा माइनस
साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर पे, y बराबर 10x का डिफरेंशिएट, y बराबर 10x का डिफरेंशिएट dy बाय dx, dy बाय dx बराबर dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx, 10x का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर x होता है, क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर x होता है, याद हो गया, 10x के क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, y बराबर sec x का, y बराबर sec x का होता है डिफरेंशिएट dy / dx इज इक्वल टू dy / dx इनटू sec x बराबर sec x इनटू 10x हो जाएगा, sec x इनटू 10x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 8 नंबर 8 हो गया। अभी और चलते आगे, यहाँ पे आते हैं 9 नंबर, ना फॉर्मूला क्या है, 9 नंबर, y बराबर cot x एक फंक्शन दिया है, y बराबर cot x, x रिस्पेक्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान देंगे ये x रिस्पेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट करेगा, तो dy by dx बराबर dy by dx बराबर dy by dx into cot x का हो जाएगा यहाँ पे माइनस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चलता है कि वाई बराबर अगर कॉट एक्स दिया हुआ तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं 10 नंबर पे, वाई बराबर कोसेक एक्स दिया हुआ, ठीक है, वाई बराबर कोसेक एक्स दिया हुआ, इसका जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ध्यान दीजिएगा, एक हमने करवाया था यहाँ पे कि sec x का हमने किया था तो dy by dx बराबर sec x का था sec x into 10x था, जस्ट यहाँ पे क्या किया माइनस आ जाता है, cot x में क्या आता है माइनस आ जाता है, माइनस cosec x into cot x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 फार्मूला देखिए, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, y बराबर इसको इंटीजर में बोलते हैं, ठीक है, डिटरमाइन बॉक्स x इंटीजर में, ठीक है, इसका जब हम करेंगे तो dy by dx ये जो है इसका जो है डिफरेंशिएट नहीं होता, ये जो है इसका वैल्यू जीरो आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का जो भी डिफरेंशिएट होगा डिटरमाइन बॉक्स में रहेगा, मैट्रिक्स या फिर डिटरमाइन बॉक्स, ये डिटरमाइन बॉक्स है, मतलब इसको इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, जो इंटीजर फंक्शन जैसा होगा अगर उसका डिफरेंशिएट निकालते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, ये मान लिया, क्योंकि ये जो है ना इंटीजर फंक्शन का वैल्यू, तो ये इसका जो वैल्यू होगा जीरो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वाई बराबर 12 नंबर पे देखते हैं, एग्जांपल y बराबर mod x दिया हुआ है, ठीक है, y बराबर mod x कोई फंक्शन दिया हुआ है, mod x स्थान पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, ठीक है, cos x भी हो सकता है, mod mod के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, तो इस टाइप का अगर फार्मूला होगा रहो तो यहाँ पे क्या शो करेंगे कि x के रेस्पेक्ट में करो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा dy by dx बराबर dy by dx into mod में x का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो mod में mod x बटे x r, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, x बटे mod में x हो सकता है, x not equal to zero, x not equal to zero। हाँ समझते हैं, एक बार मैं जो है ना इसको एक बार जितने अभी हमने फार्मूला बताया है उसको मैं रिविजन कराता हूँ, ठीक है, आप जो है किताब कॉपी को बंद कर लीजिएगा, आप जो है मेरी बात को कॉन्सेंट्रेट करके देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन में हमने आपको डिफरेंस बताया था कि क्या होता है, सबसे पहले हमने बताया था डिफरेंशिएट क्या होता है, किसी भी चीज़ को अंतर करना, ठीक है, और इंटीग्रेशन क्या होता है सम ऑफ ऑल, ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट हम बात कर रहे हैं तो वह क्या समेशन बताता है, ठीक है, वह क्या बताता है इंटीग्रेशन समेशन बताता है। अभी देखा था डिफरेंशिएट जो इंटीग्रेशन का ब्लड रिलेशन भाई बन का बता सकते हैं, तो डिफरेंशिएट ही मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, तो मैं अभी आपको डिफरेंशिएट ही बता रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंशिएट के बाद मैं इंटीग्रेशन में चलूंगा, बाई जो भी आपका बेसिक है पहले मैं उसको बताते हुए मैं आगे बढ़ूँ तो आपके लिए समझने के लिए काफी बहुत बेहद जरूरी है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमने बताया था आपको कि डिफरेंशिएट में हमने आपको बताया था कि अगर मान लेते हैं कि स्टार्टिंग से y बराबर कोई फंक्शन x के पावर n दिया, तो उसका जब मैं डिफरेंशिएट निकालता तो ये क्या होता है कि y बराबर x के पावर n दिया हुआ है तो n x के पावर n माइनस वन, ठीक है, आप कॉपी पेन बंद कर लीजिए, ठीक है, कॉपी पेन जो किनारे रखिए, आप कॉन्सेंट्रेट करके मेरी बातों को सुनिएगा। दूसरा में हम बात करते हैं y बराबर e के पावर x होगा, e के पावर x का हम डिफरेंशिएट बात करते हैं, e के पावर x का डिफरेंशिएट e के पावर x ही होगा, ठीक है,
ठीक है। फिर हम बात करते हैं y बराबर, हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं a के पावर x बराबर, y बराबर कोई फंक्शन a के पावर x दिया, तो उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, a के पावर x * log x होगा, a के पावर x * log सॉरी a के पावर x * log a होगा, सॉरी मिस्टेक हुआ था हमसे, y बराबर कोई फंक्शन a के पावर x दिया है तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो a के पावर x * log a, ठीक है। y बराबर log x दिया हुआ तो उसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका क्या हो जाएगा, y बराबर log x दिया तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy / dx बराबर log x का क्या होता है 1 / x होता है, क्या होता है 1 / x होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने sin को वो बताया था, sin का cos का, sin का cos हो जाएगा cos का minus sin हो जाएगा, ठीक है, और tan का sec square x हो जाएगा, ठीक है, cot का हो जाएगा minus cosec square x हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं ना अपोजिट हो रहा है। यहां पे मैं कुछ क्वेश्चन लूंगा, आप यहां पे देखिएगा, देखिए ये तो पता चला क्या डिफरेंशिएट जो होता है अवगुण होता है, तो मैं मान लेता हूं यहां पे कि अगर x के पावर n लिया हुआ है, कोई एक फंक्शन दिया हुआ है y is equal to x के पावर n दिया हुआ है, ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, देखिए ये इसको मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मेरे को dy / dx मेरे को निकालना है, क्या निकालना है dy / dx निकालना है मेरे को, ये मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे देखना, देखिए ये मेरा कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसको मेरे को dy / dx निकालना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि y बराबर x के पावर n, x के पावर n, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा किसके रिस्पेक्ट में बोला दोस्तों, यहां पे जो होगा, यहां पे देखिए यहां पे जो होगा x है ना, यहां पे x मतलब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में यहां पे क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसके रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा, जो चीज यहां पे होगा उसके थ्रू मैं यहां पे डिफरेंशिएट करूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे dy / dx, ठीक है, ये दर्शाता है दोस्तों जो dx है ना, dx मतलब बताता है कि मैं x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं, x के रिस्पेक्ट में यहां पे क्या कर रहा हूं, अवकलन कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका दोस्तों है कि dy / dx, क्योंकि देखिए मैं क्या लिखा कि dy / dx ना एक्चुअली दिखाया था, तो ये दर्शाता है x की पावर n, ठीक है, x के पावर n, इसका जो फार्मूला दोस्तों होता है कि मान लेते हैं n x की पावर n माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू x के पावर n, कोई फंक्शन दिया होता तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, मतलब मैंने इसको अवकलन किया था dy / dx इज इक्वल टू dy / dx, जो हमारा y जो फंक्शन दिया होता हमने यहां पर रखा, अब मैंने इसको क्या किया आगे देखिए n x के पावर n माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इस पे एक मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा, आप इसको जो अच्छे से देखिएगा, एक एक चीज मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको पूरा चीज समझा ताकि आपका टाइम भी ना बर्बाद हो, हम चाहते हैं कि यहाँ से आप आए हैं तो आप पूरी तरह सीख के जाए। देखिए मान लेते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं हमने यहाँ पे, मान लेता हूं y इज इक्वल टू कोई फंक्शन है x के पावर में 5 लिया हुआ है, ठीक है, x के पावर में 5, ये कोई एक फंक्शन है, तो मेरे को क्या बोला दोस्तों यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे x है, ध्यान दीजिएगा मेरे को किसके रेस्पेक्ट करना है यहाँ पे डिफरेंशिएट, मेरे को x के रेस्पेक्ट मेरे को डिफरेंशिएट करना है, तो मैं क्या करूंगा कि dy / dx, dy / dx, ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए आपको फॉर्मूला याद होगा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर x के पावर n dy / dx अगर लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख रहा था n x के पावर n माइनस वन, ठीक है, dy / dx x के पावर n इज इक्वल टू n इंटू x के पावर n माइनस वन, ये फार्मूला होता है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या करूंगा 5x के पावर 5 माइनस वन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5x के पावर में 4, 5 में से 1 जो घटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, 5 में से 1 जो होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे x के पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, एक एक चीज आपको मैं समझाता चल रहा हूं, देखिए y इज इक्वल टू एक और फंक्शन में ले लेता हूं, मान लेता हूं ये तो आपको नोट कर लिए होंगे, ये समझ भी मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा, देखिए इसको मैं साफ करता हूं, एक काम करता हूं मैं, ये फार्मूला है ना, ये आपके सामने फार्मूला, इसी के फार्मूले के हिसाब से मैं चलूंगा, मान लेता हूं यहां पे y इज इक्वल टू x के पावर में यहां पे मैं मान लेता हूं 9, ठीक है, कितना है 9, तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि dy / dx
ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पावर में 9, याद आ रहा है ना, सेम चीज है ये दिख रहा है ना। अब क्या करना है, 9 एक्स के पावर 9 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स के पावर में 8, 9 इंटू एक्स के पावर में 8 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका मतलब कॉन्सेप्ट इसके हिसाब से रख रहा है, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अलग लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको साफ करता हूँ, देखिए इसी फॉर्मूले पे मैं चलूंगा। यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है मैं यहां पर लेता हूं एक्स के पावर में 50 लेता हूं। ठीक है, एक्स के पावर में 50 लेता हूं। ध्यान दीजिएगा यहां पे फंक्शन क्या है, एक्स के पावर में 50 दिया हुआ है, तो मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के पावर में 50, है ना। ध्यान दीजिएगा अभी क्या करेंगे, एक तो फंक्शन हमारा ये है, एक तो हमारा फंक्शन ये है, तो 50 इंटू एक्स के पावर में 50 माइनस 1 करेंगे यहाँ पे इंटू, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब एक चीज तो फंक्शन था ना एक्स का, अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे 1 आता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा था यहाँ पे, तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1, और एक्स का मैं पूरा यहाँ पे करता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स करता, तो इसका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। यहाँ पे 1 ना ही लिखते हैं, ठीक है, मतलब नहीं शो करते क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ इसको 50 इंटू एक्स के पावर में 49। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हल्का सा मैं थोड़ा सा इसको घुमाता हूं। मान लेते यहां पे साइन एक्स के पावर में 6 लिखा हुआ है। ठीक है, साइन एक्स के पावर में 6 लिखा हुआ है दोस्तों, ये दिख रहा है ना, इसी रूप में बना हुआ है एक्स के पावर में, मान लीजिए इसको एक्स है। ठीक है, इसको मान लीजिए ये एक्स लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, मतलब किसके रेस्पेक्ट बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट बोल रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या एन एक्स, मतलब एन के स्थान पे क्या यहाँ पे 6 है, तो 6 एक्स साइन के पावर में एन एक्स के पावर में 6 माइनस 1 करेंगे, है ना, 6 माइनस 1 करेंगे। और दोस्तों ये क्या एक ये फंक्शन हमारा साइन, एक फंक्शन हमारा ना साइन एक्स हमारा एक फंक्शन है, तो अपन यहाँ पे फिर भी क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स लिखेंगे यहाँ पे, इसका अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा 6 साइन एक्स के पावर में 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे साइन के अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। ठीक है, cos x आ जाएगा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे 6 cos x इंटू साइन x के पावर में 5। ठीक है, 6 cos x इंटू साइन x के पावर में 5। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, हो सकता आपको ना दिखाई दे रहा हूं, तो इसको आप क्या करेंगे 6 इंटू साइन x के पावर में 5। ठीक है, क्योंकि 6 में से माइनस 1 गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे क्या cos x, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट किया है साइन एक्स का डिफरेंशिएट किया है तो कॉस आ गया। ठीक है, तो इसको उठा के हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, आपको हो सकता ना दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पे रिपीट कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं साफ करता हूँ, एक एक चीज मैं यहाँ पे समझाता चलूंगा आपको और आपको समझ भी आएंगे। अभी मैं सिर्फ डिफरेंशिएट में बात कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट फिर मैं इसके बाद थोड़ा सा एक बेसिक्स में दे दूँ, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन बाई क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे कि y इज इक्वल टू कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लेता हूँ 5x के पावर में 4। ठीक है, 5x के पावर में 4, यहाँ पे लिखा है 9 x के पावर में 2। ठीक है, 9x के पावर में 2 और प्लस यहाँ पे लिखा है 10, ये हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, मान लेते y इज इक्वल टू एक फंक्शन दिया हुआ है 5 इंटू एक्स के पावर में 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10। दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे x है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ध्यान दीजिए ये क्या कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, x के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करूंगा।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा dy by dx, ठीक है dy by dx मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं ले रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो बताता है मैं x के रेस्पेक्ट बोल रहा है ना, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसका x के रेस्पेक्ट में निकाल दूंगा। फाइव तो ऑलरेडी तुम्हारा कॉन्स्टेंट था, ठीक है, फाइव इंटू डी वाई, देखिए थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपको ये आप क्या करेंगे इसको पूरा ना लिख के आप डायरेक्ट करना, जब सिक्स जाना तब करना, ठीक है। यहां पे क्या 10 है, अब सुनिएगा समझदार में बात बताता हूं, 5 तो कांस्टेंट था, 5 क्या था यहां पे कांस्टेंट था, 5 को हमने अलग कर दिया, अब पता याद आ रहा है कि क्या था x के पावर n के फॉर्मूले क्या थे, n x * n - 1 यार x into x के पावर n माइनस वन ना, तो ये देखिए n x के पावर n माइनस वन ये तो आ रहा था ना, अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 9 तो कांस्टेंट है इसको कांस्टेंट लिखा, ये क्या है x के पावर 2 है, तो n x के पावर 2 माइनस वन, अधिक ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे x रेस्पेक्ट बोला लेकिन यहाँ पे कोई x है क्या नहीं है ना, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे मैं अपन यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 एक्स के पावर में 3 हो जाएगा, और इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 18 इंटू एक्स के पावर 1 मतलब x में लिखा, ठीक है, अब प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा दोस्तों dy by dx, इसको मैं y डैश भी दिखा सकता हूँ, y डैश बराबर dy by dx, या फिर मैं इसको y1 भी मैं लिख सकता हूँ, y1 बराबर 20x³ + 18x, ठीक है, इतना मैं इसको लिख सकता हूँ, ये आपका डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं देता हूँ आप उसको ईमानदारी से लगाइएगा, ठीक है, इसको मैं साफ करता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपको हर चीज समझ आ रहा होगा जिसमें समझा रहा हूँ, और मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट किया हूँ, करीबन मैं हर टाइप का क्वेश्चन चलूंगा, लेकिन फिर भी मैं अभी जो है ना आपको बेसिक चीज में सिखाता चलूंगा ताकि आपको समझ आ जाए और एक प्रॉपर आप जो है सीख के ही जाए यहाँ से, ठीक है। अब सुनिए, मान लेते हैं एक फंक्शन मैं ले लेता हूं y इज इक्वल टू मैं यहां पर ले लेता हूं 50x के पावर में 5, ठीक है, और यहां पे ले लेता हूं 6x के पावर में, ठीक है, x के पावर में 3 लेता हूं, ठीक है, यहां पे लिखा है दोस्तों, यहां पे लिखा है देखिए सेम क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ना आप सॉल्व करेंगे, मेरे को यहाँ पे क्या करना है dy by dx निकालना है, ठीक है, इसको जो है आपको फाइंड करना है dy by dx, dy by dx इसको फाइंड करना है, ठीक है, ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा ईमानदारी से, और इसको पुनः सॉल्व कीजिएगा, और इसको मेरे आंसर से मैच कीजिएगा, क्या आपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिए कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके फ्रंट पे हूँ, मैं आप मेरे को फेस टू फेस देख रहे हैं, आप ये अज्यूम कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो है आपने वीडियो को पॉज किया और इसको आपने लगाया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे क्या x है, मेरे को क्या करना है x के रेस्पेक्ट मेरे को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है x के रेस्पेक्ट मेरे को डिफरेंशिएट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, मैं देखिए आपका तो 50 जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है, एंड x x के पावर n माइनस वन करेंगे, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 6 इंटू, ठीक है, एन एक्स n माइनस वन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 50 जो है ना ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 50 है, ये इसका जीरो हम मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, ठीक है, 250 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 250 ठीक है, यहाँ x के पावर में 4, यहाँ पे क्या आएगा 18, 6 × 3 18 x के पावर में 2, और प्लस ये 0, तो 0 लिखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा y डैश बराबर या y1 बराबर या फिर dy by dx बराबर 250x के पावर 4 प्लस 18x स्क्वायर, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आ चुका है, ठीक है।
कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको घर के लिए देता हूँ, इसी एग्जाम इसी मेथड पे इसी मेथड के थ्रू जो है ना मैं दो तीन क्वेश्चन आपको देता हूँ, जो कि आप ईमानदारी से क्वेश्चन को लगाइएगा और इसको जो है ना कमेंट में भी मेरे को दिखाइएगा कि हमारा जो आंसर इतना आया है, ठीक है। और अगर नहीं अगर आता है आपको समझ तो आप कॉमेंट में इसका आंसर पूछ लीजिएगा, ठीक है। मान लेते हैं, देखिए वाई इज इक्वल टू जो है एक फंक्शन दिया है 9x के पावर में 9 और प्लस 5 इंटू एक्स के पावर में 5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 7 दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 7 दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, y बराबर आपका दिया है 5x के पावर में 4, यहाँ पे दिया है 15x के पावर में 3, यहाँ पे क्या दिया 7x और यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे 5 मान लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे y बराबर जो है मान लेता 20x के पावर में 20 और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों 15x के पावर में 3, x के पावर में 3 और प्लस यहाँ पे क्या दिया 15, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो ये तीन जो क्वेश्चन है आपका घर का, मतलब आप घर पे इसको सॉल्व करेंगे, आपका एच डब्ल्यू है, ठीक है, ये आपका इसी मेथड पे है सॉल्व होगा। इसका जो फॉर्मूला लगेगा x के पावर n बराबर n x के पावर n माइनस 1, इससे आप इस फॉर्मूले से हम जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा डिफरेंशिएट बताता है, जब इसका मैं डिफरेंशिएट निकालता हूँ तो इसका जो है n x के पावर n माइनस 1 ये फॉर्मूला होता है, इसी पे हम इसी फॉर्मूले पे हम जो है तीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप इसको लगा लेंगे, ठीक है, इसको आप जो है कमेंट में मेरे को बताइएगा। आगे हम चलते हैं, ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा क्योंकि मैं यहाँ पे हर चीज को आपको समझाता चलूंगा। देखिए ये तो x के रेस्पेक्ट था, मान लेते हैं यहाँ पे y के रेस्पेक्ट बोलता, z के रेस्पेक्ट बोलता, x y z कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे जो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं x y x के रेस्पेक्ट निकाल लेते हैं दोस्तों, ये भी हो सकता है कि यहाँ पे y दे दें z दे दें, तो क्या करेंगे आप, मान लेते हैं कि x बराबर जो आपका दे रहा है 20y के पावर में 5 और प्लस यहाँ पे दे रहा है 30y के पावर में 3, यहाँ पे क्या दे रहा है 10y। सेम क्वेश्चन आपका है, पहला जो आपके आपने जो किया वही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x था और यहाँ पे x बराबर समथिंग दिया हुआ है, आप y बराबर निकाल रहे थे ना, याद है ना, देखिए आप y बराबर निकाल रहे थे, यहाँ पे x दे रहा था, है ना, यहाँ पे क्या दे रहा था x दे रहा था, यहाँ पे क्या दे रहा था x दे रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन बटन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू अपडेट्स। y है ना, y है, मतलब क्या बोल रहा है ये, y के रेस्पेक्ट ये डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये तो x है लेकिन ये क्या बोल रहा है, y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने बोल रहा है, y के रेस्पेक्ट जो है आउटलाइन करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट आउटलाइन करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से यहाँ पे देखिए, देखिए अब जो यहाँ पे अपन क्या काम करेंगे, dy by देखिए dy by dy dx बटे dy ना, क्योंकि पता है ये जो है आपका डिफरेंशिएट कर रहा है, तो dy dx बटे dy ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या था, अगला बार आपका मैं क्या करते डी वाई बाई डी एक्स कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट ना करके मैं वाई के रेस्पेक्ट कर रहा हूँ ना, तो वाई के रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे एक्स था हाँ यहाँ पे क्या आ गया वाई आ गया, तो वाई के रेस्पेक्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जेड आ गया तो जेड के रेस्पेक्ट बात करेंगे, पी आ गया तो पी के रेस्पेक्ट बात करेंगे, पी या भी आ गया भी के रेस्पेक्ट बात करेंगे, यू आ गया यू के रेस्पेक्ट बात करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट बोलेगा हम उसके रेस्पेक्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम अपन बात करते हैं कि यहाँ पे 20 होगा और यहाँ पे क्या होगा, देखिए x के पावर n के फॉर्मूला से हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा dy dx y के पावर में 5 और प्लस यहाँ पे क्या, देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे से एक मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे y होगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में जा रहा हूँ ना, यहाँ पे यहाँ क्या है y के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में बात करूंगा, तो dy इंटू y के पावर में 3 और प्लस 10 कांस्टेंट है, यहाँ पे बात करेंगे d by dy यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका क्या होगा, यहाँ पे 20 ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या है n x n माइनस वन, 5 माइनस वन करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा 5 n x के पावर n माइनस वन, तो y के पावर में 5 माइनस वन तो 4 आएगा y के पावर में, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 30, ठीक है। इसका जब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या है n, ठीक है n
n x के पावर n माइनस वन, यहाँ पे क्या जाएगा y के पावर में 3 माइनस वन, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देगा 10 है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, देखिए पावर में 1 है, पावर में 1 है, यहाँ पे 1 आएगा इंटू वाई के पावर में 1 माइनस 1 करोगे, है ना, 1 माइनस 1 करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देगा किसी भी नंबर पे या किसी भी अंक पे या किसी भी डिजिट पे या कोई भी एक्स वाई जेड किसी भी पावर पे अगर जीरो, अगर किसी भी पावर में अगर जीरो अगर आता है तो उससे वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई के पावर में जीरो हो जाएगा, तो वाई के पावर में जीरो की वैल्यू कितना होता है दोस्तों, यहाँ पे 1 हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 × 1 × 1 बराबर 10 हो जाएगा। मैं इसको शो करूंगा यहाँ पे, देखिए 20 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे दोस्तों, देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 वाई के पावर में 4, वाई के पावर में 4, और यहाँ पे क्या होगा 13 × 3 = 90 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y के पावर में 0 की वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 1 हो गया है ना। तो यहाँ इस तरह के हम इसमें लगा सकते हैं, हम समझते हैं कि आपको जो है यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, इसको मैं साफ करता हूँ कुछ समय के लिए। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को घुमाता हूँ, देखिएगा हल्का सा मैं घुमाऊंगा यहाँ पे क्वेश्चन को, आपको समझ आएगा और आप एक एक चीज समझ कर आइएगा और इसको लगाइएगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जेड बराबर कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है जेड बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे 3x, एक्स ना लेके मैं यहाँ पे भी लेता हूँ, भी के पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 2, भी के पावर में 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है भी के पावर में 5 ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है फिर यहाँ पे 5 लिख देते हैं ना। देखिए समझिए, तो मेरे को बोल रहा है डी जेड बाई डी भी निकालने की बात कर रहा है, ये से तो मेरे को पता चल गया कि ये जो दिया हुआ है ये बोला भी के रिस्पेक्ट बोल रहा है डिफरेंशिएट करने के लिए, यहाँ पे भी है ना, यहाँ पे क्या भी है, यहाँ पे क्या भी है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट क्या किसी का डिफरेंशिएट हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा समझिएगा, देखिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं डी जेड बाय डी वी के रेस्पेक्ट, मतलब वी के रेस्पेक्ट मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वहां पे मैं एक्स के रेस्पेक्ट किया था इससे पहले, और उससे पहले एक्स के पहले फिर वाई के रेस्पेक्ट होने बात की, यहाँ पे क्या मैं लिया हूँ कि वी के रेस्पेक्ट में लिया हूँ, यहाँ पे वी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात करूंगा। ठीक है, यहाँ पे वी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैं बात करूंगा यहाँ पे क्या होगा, 3 तो कॉन्स्टेंट है, डी वाई बाई डी वी, ठीक है, और इसको मैं लिखूंगा फंक्शन ऑफ ये दिया हुआ है, फिर यहाँ पे मैं बात करूंगा डी वाई बाई डी वी बी के पावर में 3, और यहाँ पे मैं बात करूंगा डी वाई बाई डी वी के पावर में 5, और प्लस ध्यान दीजिएगा ये कांस्टेंट है तो 5 × d/d v ना, तो कांस्टेंट है, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ 5 है ना, तो 5 ही कांस्टेंट है, इसका तो 0 आ जाएगा, इससे बातें नहीं करना मेरे को, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये तो 3 आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाला रहेगा उसको बाहर आप निकाल देंगे, ये क्या हो गया n x के पावर n माइनस 1, ध्यान दीजिए तो ये क्या b के पावर में 5 है ना, b के पावर में 5 है, ये क्या हो जाएगा 5x, मतलब 5 के पावर, तो 5 ये 5x के पावर 5 माइनस 1 यही कह रहेगा ना, तो x का स्थान पे यहाँ पे भी है, x के स्थान पे क्या है यहाँ पे भी है। अब जब यहाँ पे भी, अब क्या एक फंक्शन और है आपका भी है ना, तो जब आप डी भी बाई डी भी करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो आगे मेरे को ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए 2 है, ठीक है 2 मेरे कांस्टेंट है ये, इसको मैंने लिया, इसको मैं क्या हो गया एन एक्स के पावर एन माइनस वन, एन एक्स के पावर एन माइनस वन, और देखिए एक और आपका ये भी अंदर बचेगा क्योंकि ये एक तो ऑलरेडी फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं कि एन एक्स के पावर एन माइनस वन, ये तो फंक्शन, लेकिन एक अंदर में एक और फंक्शन है, तो ये मैं क्या करूंगा डेल भी बटे डी भी बटे डी भी बटे डी भी ना, तो ये कर रहा है डी भी बटे डी भी बराबर 1 आएगा उसका ना, तो इसको लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां देखिए
यहाँ मैं बात करूंगा तो एंड एक्स के पावर ये माइनस वन, तो यहाँ पे एक्स के स्थान पे बी है तो फाइव माइनस वन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी के पावर में फाइव माइनस वन। और यहाँ पे देखिए एक फंक्शन और है आपका भी अंदर बचेगा, तो डी भी बटे डी भी बराबर कितना आएगा, वन आएगा। तो इसको भी मेरे को वन को भी लिखने की जरूरत मेरे को नहीं है, ठीक है। प्लस ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे भी है तो भी के रेस्पेक्ट बोल रहा है ये डिफरेंशिएट करने के लिए, तो यहाँ पे भी तो है नहीं, जब यहाँ पे है नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जो होगा जीरो हो जाएगा, इसको मैं जीरो लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई किए तो 15 बी के पावर में 4, यहाँ पे क्या होगा 6 बी के पावर में 2, यहाँ पे क्या होगा 5 बी के पावर में 4, ठीक है। तो आपका ये निकल जाएगा डी जेड बाई डी बी, इसको हम यहाँ से सॉल्व करके ये हमारा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो आपका फर्स्ट मेथड था, इससे हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्स्टेंट बाई कॉन्स्टेंट हम चल रहे हैं ताकि आपको एक एक चीज समझ आए, और इसमें हमने काफी लंबा लेक्चर मेरे हिसाब से हो गया, लेकिन आपको समझ भी आया होगा, ठीक है। लंबा होने का लेक्चर ये है कि आपको समझ भी आएंगे, एक एक चीज मैं यहाँ पर समझाता चलूंगा, फिर मैं जो है बुक पे आऊंगा, ठीक है। तो ठीक है,